लक्ष्मी नारायण तिवारी, आप देख रहे हैं कंटिलीनर न्यूज। खबर सुल्तानपुर जनपद के थाना बल्दीराय से है, जहां थाना अंतर्गत शिवपुर गांव में प्रधानी का कामकाज देखने के वर्चस्व को लेकर प्रधान बने छोटे भाई पर बड़े भाई ने तमंचे से फायर झोंक दिया। हालांकि प्रधान की शिकायत पर थाना पुलिस ने मैं अवैध तमंचे सहित आरोपी भाई को जेल भेज दिया है। क्या है पूरा मामला, सुनिए पीड़ित की जुबानी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम समर बहादुर है। किस गांव के निवासी हैं? मैं ग्राम भवानीपुर से प्रधान हूं। जी क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि हमारे दो भाई और रहते हैं सुल्तानपुर में, सगे ही भाई हैं जो कि मेरे, उनका छोटा मोटा कारोबार है वहां पे, और हमारे प्रधानी से वो संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा यार प्रधान तुम बन गए, हमारे लिए कुछ करोगे? हमने कहा जब समय आएगा तो भाई क्यों नहीं करेंगे आपके लिए। फिर उन्होंने फोन किया एक दिन, कहाँ हो? हमने कहा मैं तो क्षेत्र में हूँ, गांव में हूँ। कहें जब गांव चले जाते हो तो हमको नहीं बताते हो। तो हमने कहा भाई हम फैमिली के साथ आए थे, नहीं बता पाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है। अचानक मैं कल आया, घर पे गया था, ब्लॉक में कुछ काम था बल्दीराय, तो वो जो है पहले से वहाँ पे आके बैठे हुए थे, अनिल कुमार और अमर बहादुर जो हमारे भाई हैं, और कुछ गाँव के लोग भी वहाँ पे बैठे थे। तो हम वहाँ से गए जो है, उसके बाद में बैठे वहाँ पे, जैसे पानी भी नहीं पिए बाहर, सब लोगों के साथ बैठे थे तो बातचीत कुछ होने लगी। तो मैं आपस में उन्होंने कहा कहाँ से आ रहे हो? हमने कहा ब्लॉक से। कह रहे सारा काम अपने मन से करोगे कि हमारे भी दिमाग से कुछ काम करोगे? हमने कहा क्या भैया बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है प्रधानी जो है हम अपने हिसाब से चलाएँगे, है ना प्रधानी, तुमको क्या ज़रूरत है? तुम्हारा कार बाजार है अच्छा खासा, तुम्हारा पहले से ही कारोबार है प्रधानी, हम अपने हिसाब चलेंगे। हमने कहा भैया देखो ये प्रधानी है, जनता ने मुझे चुना है और मुझे विकास करना है गांव में, और जो है हम अपने हिसाब से चलाएंगे प्रधानी, और जो भी हमारे साथ कन्वर्सिंग किए हैं, जो भी हमारे साथ दिन रात एक किए हैं, तो उनको साथ लेके हम विकास करेंगे गांव का, जनता का, और कोई बात हो जाएगी तो फिर जवाब हमको देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हमको ज्ञान मिट्टी ज़्यादा ना बताओ, हमारे बड़े भाई भी तुमसे ज़्यादा मैं दिमाग रखता हूँ। तो गाली बकने लगे, आपस में बात बढ़ती गई। फिर उसके बाद में हमने कहा भैया ऐसा है आप काम, अभी नियुक्ति पत्र भी नहीं मिला है, प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है, जब वो समय आएगा कोई काम निकलेगा तो फिर हम आपको काम बताएंगे, अब परेशान काहे हो। तो उन्होंने कहा कि गाली दिए, कहा कि तुम्हारा दिमाग ऐसा है तैसा है, हमको माँ बहन की गाली दिया, बोले तुम्हारे प्रधानी गाने में डाल देंगे, उल्टा सीधा बात किए बदतमीजी से मेरे से। हमने कहा भाई बड़े हो आप ऐसा ना बोलो। तो कुछ लोग बोले थे यार हट जाओ ये अपना नशे में है क्या है, बोलता चला जा रहा था। फिर हम वहाँ से गाली गलौज हुए, घर के अंदर गए तो दूसरा वाला भाई अनिल ने ललकारा छोटा वाला कि इसको मार दो, ना रहेगी प्रधानी, ना जिएगा ना प्रधानी करेगा, मारो इसको। तो वो जो है दौड़े हमारी तरफ, हम समझ ना पाए, पिस्टल निकाले और फैर झोंके, हम घर की तरफ देखे तो पिस्टल निकली, भागे अंदर कमरे में, तो आंगन पहुंच गए, बगल में आंगन है तो दरवाज़ा इसे बंद किए, तो नीचे इसे मारे पिस्टल, दरवाज़ा से इसे टकराती हुई जाके आंगन जमीन में लगी, मैं बाल बाल बच गया। यही इतनी घटना है। मुकदमा लिखा गया? जी मुकदमा, फिर प्रशासन को फ़ोन किया तुरंत, पुलिस को फ़ोन की गई, पुलिस आई कुछ देर बाद, तो घटना को पूरा जानकारी वहाँ से ली, लोगों से पूछी, तो इन्होंने कहा कि हम नहीं जानते हैं। फिर कड़ी तरह से पुलिस महोदय ने पूछताछ की है इसे, फिर उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया, बोले पिस्टल कहाँ है? तो अमर बहादुर ने जाके खेत में पिस्टल लुकवाई थी, तो जाके एसओ साहब पिस्टल बरामद किए साथ में, इनको पकड़ के लेके आए अपने साथ सिपाही के साथ में रात में, उसके साथ हम भी आए थाने में थे, सवेरे इनके नाम मुकदमा लिखा गया। दोनों भाई गिरफ्तार है? दोनों भाई गिरफ्तार हुए, जो भी कार्रवाई पुलिस अपना करना था उनकी। प्रशासन ने आपकी मदद किया? प्रशासन ने हमारी पूरी मदद किया सर, तो हमारी जान जाके बची। बहुत बहुत